आज छठ पूजा को देखते हुए बाजारों में जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये चौक क्षेत्र में हम हैं और चौक क्षेत्र में चारों तरफ आज महिलाओं की जो भीड़ देखने को मिल रही है, चाहे वो कपड़े की दुकान की हो या फिर सौंदर्य से जुड़े दुकानों की हो या फिर सड़क पर सजी फल फूल की दुकानों पर हो, फल के दुकानों पर ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है। परिवार के साथ लोग छठ की खरीदारी कर रहे हैं, जहाँ एक तरफ छठ घाटों पर आयोजन समिति की तरफ से पूरी तैयारी है, वहीं दूसरे तरफ बलिया बाजार में आज दिन शनिवार को देखा जा रहा है कि पूरी बाजार में जन सैलाब उमड़ा है। आज बड़े वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं और इस बाजार में जहां आज पैर रखने की जगह नहीं, चौक से स्टेशन रोड, आर्य समाज रोड, कासिम बाजार, लोहा पट्टी, सिनेमा रोड, आर्य समाज रोड, गुदरी बाजार, चारों तरफ सजी दुकानों पर खरीदारी जमकर हो रही है। वैसे देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर जहां भीड़ देखने को मिल रही है वो पूजा से संबंधित फलों के दुकानों पर देखने को ज़्यादा मिल रही है। वहीं छोटे बड़े जो कपड़े के दुकान हैं, फुटपाथ पर सजे जो बाजार हैं, दुकान हैं, वहाँ भी लोग खरीदारी कर रहे हैं। मैं निवेदन करूँगा यहाँ के लोगों से जो अपने परिवार के साथ इस बाज़ार में, इस मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को, अपने बच्चों का हाथ मजबूत से पकड़े रहें, उनका उनको केयर करें, उनको देखें, सावधान रहें, बेहतर रहें और पूरी तरह से सुरक्षित होकर मार्केट करें और पूजन सामग्री की खरीदारी करें और जाम जैसी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए ये व्यवस्था तो आज कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सड़क पर जो बाज़ार सजी है सिर्फ छठ पूजा को देखते हुए ये बाज़ार सजी है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी लोगों को हो रही है। वैसे आज आप देख सकते हैं ये बाज़ार में जहाँ चारों तरफ दुकानें जो सजी हैं, छोटे बड़े लोग यहाँ हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, नौजवान हैं, सभी मिलकर छठ पूजा की खरीदारी कर रहे हैं। मैं सभी लोगों को, नगरवासियों को, जनपदवासियों को ईश्वर से, उनके लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूँ वो सुरक्षित होके, बेहतर होके, अच्छे तरीके से खरीदारी करें और अपने घर को जहाँ फिर यानी 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर छठ घाटों पे अच्छे तरीके से छठ पूजन करें। मैं फिर जुड़ूंगा आपसे, तब तक के लिए इतना ही, जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, इस समय मैं चौक क्षेत्र में हूँ, मेरे साथ कैमरामैन राजू कुमार।